कोसी नदी परियोजना। कोसी बिहार का हवांग हो है और यह भारतीय नदियों में सबसे अनियंत्रित और सबसे अस्थिर है। कोसी नदी 720 किलोमीटर लंबी है और यह तिब्बत, नेपाल और बिहार में 74,500 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैली हुई है। नदी ने पिछले 225 वर्षों के दौरान अपने तटों को 133 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम में स्थानांतरित कर दिया है। नदी बेसिन पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है, जो उत्तर में यालुंग त्सांग पो नदी, पश्चिम में गंडक और पूर्व में महानंदा से अलग है। कोसी नदी नेपाल से भारत की ओर बहने वाली बिहार की शोक है और बाढ़ के कारण अतीत में व्यापक रूप से मानव पीड़ा का कारण बनती है। उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्याओं को हल करने के लिए नेपाल और भारत के बीच एक समझौते के साथ कोसी नदी पर 1954 से 1959 के दौरान कोसी परियोजना की कल्पना की गई और पूरा किया गया। कोसी नदी परियोजनाओं का लक्ष्य उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्याओं को हल करने के लिए कोसी परियोजना को 3 सतत अंतःस्थापित चरणों में संकल्पित किया गया था। एक, इस नदी को रोकने के लिए एक बैराज बनाया जाना चाहिए, जो पिछले 225 वर्षों में लगभग 130 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो गया था। दो, बैराज के नीचे और ऊपर दोनों तरफ तटबंध बनाने के लिए, ताकि निश्चित चैनल के भीतर नदी को नियंत्रित किया जा सके। तीन, दोनों देशों को सिंचाई और बिजली लाभ के साथ साथ बाढ़ से बचाने के लिए नेपाल में बारा क्षेत्र में एक उच्च बहुउद्देशीय बांध का निर्माण करना। कोसी नदी की परियोजनाएं। एक, हनुमान नगर बैराज परियोजना। 1954 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण नीति ने कहा कि बाढ़ को बांध, तटबंधों और नदी प्रशिक्षण कार्य जैसे बाढ़ सुरक्षा कार्यों की एक श्रृंखला के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। इस परियोजना में हनुमान नगर में कोसी के पार 52 फाटकों के साथ बैराज चतरा कंठ से 33 मील नीचे और बाढ़ के दौरान नदी को सीमित ट्रैक तक सीमित करने के लिए तटबंध शामिल थे। यह नेपाल और भारत के बीच एक द्विपक्षीय समझौते के तहत बनाई गई कोसी नदी पर एक सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत उत्पादन परियोजना है। दो, सप्तकोशी उच्च बहुउद्देशीय परियोजना। इस परियोजना का उद्देश्य दोनों देशों के लिए जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, प्रबंधन और नेविगेशन के विकास के लिए था। 269 मीटर ऊंचा कंक्रीट या चट्टान से भरा बांध, सप्तकोशी नदी पर एक बैराज और दो नहरें बनाई गईं। इसमें 50% लोड फैक्टर पर 3000 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले भूमिगत बिजली घर भी शामिल है। इस परियोजना ने 75,000 निवासियों को विस्थापित किया है। तीन, कोसी मेची परियोजना। 2019 में केंद्र ने बिहार की कोसी और मेची नदी को आपस में जोड़ने के लिए इस परियोजना को मंजूरी दी है। सिंचाई प्रयोजनों के लिए कोसी के पूर्वी तट पर 76.20 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण होगा। परियोजना से न केवल उत्तर बिहार में बाढ़ की रोकथाम होगी, बल्कि अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले में 2.14 हेक्टेयर से अधिक खेती योग्य भूमि की सिंचाई होगी। सामूहिक रूप से इन जिलों को सीमांचल क्षेत्र कहा जाता है। यह एक हरी परियोजना है, क्योंकि यह न तो निवास स्थान को विस्थापित करेगी और न ही किसी भी वन भूमि का अधिग्रहण करेगी। निष्कर्ष। इस प्रकार कोसी नदी पर उपरोक्त परियोजनाएं उत्तर बिहार के विकास को बढ़ावा देंगी, क्योंकि इस परियोजनाओं के लागू होने से पहले कोसी ने उत्तर बिहार में बाढ़ और उसके तटों को पार करने के माध्यम से व्यापक विनाश किया है, लेकिन इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बाद विनाश का दर कम हो गया है और क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति अब काफी अच्छी है। इस प्रकार यह उत्तर बिहार में पुनर्वास और विकास के लिए एक अवसर प्रदान करता है।